हेलो फ्रेंड्स, आज से हम कक्षा 10 आपका जो है क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स सिलेबस है उसे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका जो पहला चैप्टर है आज हम उसके विषय में बात करेंगे, रियल नंबर्स के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, वास्तविक जो संख्याएं हैं जहाँ यूज होगा हम आगे बताते चलेंगे कि ये टॉपिक कहाँ हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, वो उसका क्या नाम है, रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या है। ठीक, देखिए वास्तविक संख्याएं जब हम पढ़ेंगे तो उसे सबसे पहला जो नंबर आता है लेमा। क्या आता है? लेमा, हिंदी में भी लेमा ही कहेंगे। ठीक है, या तो प्रमेय का कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, लेमा सबसे पहले हम बात करते हैं, लेमा आपका क्या है। ठीक है, तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ प्रूवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनादर स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, लेमा आपका क्या है? लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आप सब एक आपके साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो। ठीक है, जो इटली के थे। ठीक है, कहाँ के थे? इटली के थे। तो जब उन्होंने 16वीं-17वीं शताब्दी में ये बताया क्या कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है। तो वहाँ के जो इटली के जो मतलब कि कट्टरपंथी धड़े नहीं बोल सकते, मतलब कि ऐसे लोग जो अपने धर्म में एकदम बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, साइंस की दुनिया से उनका ज़्यादा लेना देना नहीं था। तो ऐसे लोगों ने जब ये बातें सुनी तो बोला गैलीलियो को, पकड़ ससुरे को पकड़, ये उल्टा पुल्टा हमें बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है हमें? उल्टा पुल्टा बता रहा है, पकड़ ससुरे मार। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, गैलीलियो को पकड़ कर बोला कि ये हमारे धर्म के विषय में ससुरा गलत बता रहा है। ठीक है, गलत बता रहा है, उल्टा पुल्टा बता रहा है। जबकि वहाँ के लोगों का मानना था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। ठीक है, तो जब गैलीलियो ने कहा नहीं ये गलत है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तब उन्होंने क्या किया, उसे पकड़ कर उससे मार दिया भैया। ठीक है, वहाँ के सुप्रीम मतलब कि जो कोर्ट था, कोर्ट ले गए, उसके ऊपर मुकदमा चला। इसके बाद वहाँ के जो कोर्ट था उन्होंने उसे क्या सजा सुना दिया, मृत्युदंड की सजा सुना दी। ठीक है, और उसे क्या किया, वहाँ के लोगों ने मार दिया। जबकि बाद में जब रिसर्च हुई, आपके जो एस्ट्रोनॉमर थे जब अंतरिक्ष में गए, उन्होंने एक चीज़ देखा, क्या देखा कि जो सूर्य है भाई साहब है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो उन्होंने ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तब ये मान लिया गया कि ये सिद्ध हो गया कि सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो सिद्ध किया हुआ कथन मान लिया गया। ठीक है, कि क्या सिद्ध किया हुआ कथन मान लिया गया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। अब उसी का प्रयोग हम करके जब धरती पर आए तब दिन रात कैसे होता है, किस तरीके से पृथ्वी सूर्य चारों तरफ घूमती है, ये सब जो कथन है इस कथन को हमने वहाँ से लेकर सिद्ध किया। ठीक है, कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो यह कथन सिद्ध हो गया। इसकी सहायता से हम सभी ने अपना दूसरा कथन बताया कि कैसे पृथ्वी पर दिन रात होता है। ठीक है, और कैसे दिन रात होता है और कैसे मौसम के विषय में भी हम सब ने अंदाज़ा लगाना शुरू किया। ठीक है, अब तो सेटेलाइट वगैरह छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, पृथ्वी जो पृथ्वी चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है।
ठीक है। तो वहां उस सबने क्या किया, गैलीलियो सही थे लेकिन फिर भी उन्हें क्या कर दिया, पकड़कर उसे मृत्युदंड की सजा सुना दिया। ठीक है, तो देखो लेमा क्या है, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेमा एक तरीके से क्या है, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लेमा है। ठीक है, अब किसी बात करते हैं, यूक्लिड डिविजन लेमा के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्या है स्टेटमेंट। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो है फॉर एनी टू गिवेन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर होल नंबर क्यू एंड आर such that a equal b q plus r। ठीक है, where 0 is greater than r equal to r is less than b। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, इसके बाद इसे देखते हैं। ठीक है, लिखा है फॉर एनी टू गिवेन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कोई भी दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक ऐसा पूर्ण संख्या अस्तित्व में होगा या आएगा, मतलब पूर्ण संख्या होगी और कौन पूर्ण संख्या होगी, q और r, और जो q और r इस तरीके का होगा कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ जो आपका r है वो जीरो से के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा और जो r है b से छोटा होगा। ठीक है, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करते हैं, यदि हम भाग करते हैं तो मान लीजिए हम किस में भाग कर रहे हैं, हम 7 में भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। ठीक है, जब हम भाग दे रहे हैं तो क्या जाएगा, 2 3 6 या तो 2 3 6, तो 7 में से 6 हमने घटा दिया तो क्या मिल गया हमें, 1 मिला। ठीक है, तो ये जो है इसे हम कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, हिंदी में भाजक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, जो 7 है 7 को हम कहते हैं भाज्य और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। जो 3 आया है 3 को हम कहते हैं भागफल, इंग्लिश में कहते हैं कोशंट, QTIENT। और जो 1 है 1 को हम कहते हैं शेषफल, क्या कहते हैं, शेषफल, मतलब रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब देखिए यहाँ आप ये जो भाग होता है, हम भाग हमारा सही है या गलत है उसे जब हम चेक करते हैं तब कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं भाज्य बराबर, भाज्य मतलब डिवाइडेंड, भाज्य बराबर भाजक,
भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। ठीक है, यहाँ से तुलना करें तो इसका मतलब है यदि हम ए में बी से भाग दें, मतलब यदि हम ए में बी से भाग दें तो हमारा जो भागफल क्या है क्यू है और शेष फल क्या आएगा आपका आर आएगा। ठीक है, शेष फल आर। तो इसी के बीच में जो एक संबंध बताया है, किसने बताया? यूक्लिड ने बताया है। यूक्लिड कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के। ठीक है, तो ये जो भाज्य है, भाज्य कौन है? ए भाज्य। ठीक है, भाजक कौन है जिससे हम भाग देते हैं? बी है। और भागफल क्या है? भाग देने पर जो मिला यहाँ वो भागफल है और शेष फल आपको जो नीचे मिलता है वो क्या? शेष फल है। तो इसी के बीच में जो यूक्लिड भाई साहब थे उन्होंने अपना एक लेमा दिया, उन्होंने ये बताया कि कोई भी तो आपका धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और ऋणात्मक पूर्णांक ए और बी है तो उसमें से कोई दो पूर्ण संख्या क्यू और आर हमेशा इस तरीके से होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम भाज्य बराबर क्या यूज करते हैं? भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो आपका शेषफल होता है जिससे हम भाग देते हैं, भाग किससे देते हैं? भाजक से। इससे हमेशा शेषफल क्या होता है भाजक से? छोटा होता है। मतलब बी क्या है यहाँ आपका? भाजक है। और शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक का मतलब होता है जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ जो शेषफल आया है भाजक दो से, भैया ये क्या है? छोटे हैं। और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ हम एक तरीके से भाग दे रहे हैं इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो ए आपका क्या है वो आपका भाज्य है, बी क्या है आप एक तरीके से बोल सकते हैं भाजक है, क्यू जो है आपका भागफल है और आर क्या है आपका शेषफल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यदि आप रियल नंबर के विषय में नहीं जानते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम रियल नंबर के विषय में भी बताएंगे, बहुत जल्द जितने भी नंबर्स हैं उसके विषय में हम अलग से बताएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ रियल नंबर के विषय में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आज आपको? लेमा बताया और यूक्लिड डिवीजन लेमा के विषय में डिस्कस किया। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है उसके विषय में डिस्कस हम करेंगे। तो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो